welcome back to my channel and in this video we're going to talk about how you can study in Poland for free. हाँ भाई बिल्कुल free. कोई भी आपको tuition fee नहीं pay करनी है और ऊपर से आपको Polish government पैसा देगी around 50 to 60,000 Indian rupees per month for your expenses and stipend या जो भी बोलो. Guys in case आप मेरा channel अगर बहुत पहले से follow कर रहे हो so you guys know कि Poland में जो studies है वो even cheaper than India. हाँ भाई आप India से भी cheap में आप पढ़ाई कर सकते हो. The best part is जो आपको visa मिलता है Poland का is applicable for 26 Schengen countries. तो आप पूरे यूरोप में कहीं भी freely travel कर सकते हो, move कर सकते हो future में या फिर जो भी आपके गोल्स होंगे आप अचीव कर सकते हो पोलैंड में. वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट मी टेल यू हाउ यू कैन स्टडी इन पोलैंड फॉर फ्री. एक गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है भाई, ऐसा कोई फेक मैं एजेंसी नहीं बता रहा हूँ या किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ. ट्रूली एक पोलिश गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम है जो अगर आप अवेल करोगे और टाइम पे अप्लाई करोगे तो आप यू कैन स्टडी इन पोलैंड फॉर भाई कंप्लीटली फ्री. ठीक है, पोलैंड में इंटरेस्टेड हो टू स्टडी लिव और वर्क और ट्रैवल व्हाटएवर तो मेरा चैनल जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो. अभी सब्सक्राइब कर देना भाई बिकॉज बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, खाली वीडियो देखते हैं. तो गाइस मैं फाइनली आ गया हूं अपने मैकबुक पे और आपको दिखाते हैं कि हाउ यू कैन लिव एंड स्टडी इन पोलैंड फॉर कंप्लीटली फ्री. तो आपको जाना है, जो वेबसाइट है वो है nawa.pl. आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है. अभी थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है. हाँ, सो गाइस दिस इज हाउ द ऑफिशियल पोलिश गवर्नमेंट वेबसाइट लुक लाइक एंड दिस वेबसाइट नेम इज नावा, इज पोलिश नेशनल एजेंसी फॉर एकेडमिक एक्सचेंज. एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, द कॉल फॉर बनाच नावा स्कॉलरशिप हैज स्टार्टेड. इस पर क्लिक कर दो आप. वैसे इस वेबसाइट पे बहुत तरीके की स्कॉलरशिप है, डिपेंड्स ऑन विच कंट्री यू आर कमिंग फ्रॉम. सो गाइस पहले ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या स्कॉलरशिप है और आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं. तो नावा ओपन कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर प्रोफेसर स्टीफन बनाच प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. स्कॉलरशिप का जो पर्पस है वो है ज्वाइंट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड नेशनल एकेडमिक एक्सचेंज एजेंसी टू डेवलप द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. तो अगर आप किसी डेवलपिंग कंट्री से हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, आप कहीं से भी हो. ठीक है, और स्कॉलरशिप की जो ओपनिंग डेट है वो है 28 फरवरी टू 31st मार्च 2023 एंड एप्लीकेशंस कैन बी सबमिटेड अंडर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम. लेट्स सी हु आर द पीपल हु कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. तो अगर आप इस किसी कंट्री के सिटीजन हो, अल्बेनिया, अंगोलिया, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, बोस्निया, ब्राजील, मोंटेनेग्रो, इथियोपिया, फिलीपींस, जॉर्जिया, इंडिया भी है भाई, दिस इज द बेस्ट थिंग, इराक, ईरान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, केनिया, कोलंबिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मेक्सिको, मैं स्किप कर दे रहा हूँ, नाइजीरिया, यूक्रेन, टूनिशिया. तो अगर आप इसमें से किसी भी कंट्री के सिटीजन हो देन यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. ठीक है, तो एज ऑफ नाउ द स्कॉलरशिप इज एक्टिव. मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये स्कॉलरशिप एक्टिव है एंड यू कैन अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप अंटिल 31st मार्च 2023 at 15 PM. तो अभी इसके बारे में हम डिटेल करते हैं और सबमिट एप्लीकेशन पे जाते हैं. फर्स्ट थिंग है आपको इस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा इनके वेबसाइट पे. तो मैं फट से अकाउंट बना लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ. तो फर्स्ट नेम मेरा है उत्कर्ष, लास्ट नेम डॉट डाल देता हूँ मैं एंड दिस इज माई ऑफिशियल ईमेल टेक्स्ट उत्कर्ष और पासवर्ड मैं अपने से चूज़ कर लेता हूँ भाई, चूज़ माई ओन पासवर्ड. एक्सेप्ट, सारा चीज़ आप एक्सेप्ट कर दो, जस्ट टिक मार्क ऑल दिस एंड क्रिएट अकाउंट, सेव पासवर्ड. अकाउंट इनएक्टिव है. अभी आपको अपने ईमेल पे जाके अकाउंट को एक्टिवेट करना है. मेरे जीमेल पिन का लिंक आ गया है तो मैं लिंक से एक्टिवेट कर लेता हूँ. काफ़ी सिंपल प्रोसेस है भाई. तो भाई ये हो गया मेरा अकाउंट एक्टिवेट. ठीक है, तो हम जाके अभी फिर से लॉगिन करते हैं लॉगिन पेज. सो गाइस फाइनली जब आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा और आप लॉगिन करोगे तो ऐसा कुछ आपको यूज़र इंटरफेस दिखेगा. तो यू हैव टू गो टू प्रोग्राम्स. मैं भी इस वेबसाइट पर ऐसे फर्स्ट टाइम ही लॉगिन कराया भाई, तो आई डोंट हैव मच आइडिया, बट आपको दिखाता हूँ मैं. तो आप मेन्यू में जाके अगर प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हो तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे. ठीक है, अभी आ रहा है स्टूडेंट्स कॉल फॉर प्रपोजल टू प्रोग्राम्स और साइंटिस्ट, ये आई थिंक दिस फॉर पीएचडी पीपल. तो हम इस पे जाते हैं कॉल फॉर प्रपोजल. ठीक है, और करते हैं फिल आउट फॉर्म. आप जब फिल आउट फॉर्म न्यू एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको ऐसा पूरा यूज़र इंटरफेस दिखेगा एंड यू हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स. तो गाइस मुझे तो इसके लिए अप्लाई करना नहीं है बिकॉज आई एम नॉट एलिजिबल, आई एम ऑलरेडी लिविंग इन पोलैंड फ्रॉम पास्ट 5 years. तो ये उनके लिए है जो भी इंडिया में बैठे हैं या फिर कहीं भी बैठे हैं और वो फर्स्ट टाइम पोलैंड आना चाहते हैं. तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल दोगे, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटीजनशिप, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी एंड कंट्री जो आपके पासपोर्ट पे है, और फादर्स नेम, मदर्स नेम, और पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब कोई आप मिस मत करना. और पासपोर्ट इशूइंग कंट्री डाल देना और पासपोर्ट का स्कैन डालना है आपको यहाँ पे. यू कैन सी पेज विद द फोटो, जिसमें आपका फ्रंट पेज और जो बैक पेज होता है पासपोर्ट का उसमें. यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दो, इंडिया का, कंट्री, सिटी, जिप कोड, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पोलिश डिप्लोमेटिक काउंसिलर ऑफिस एडवोकेट फॉर प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. हमारे न्यू दिल्ली में जो पोलिश एम्बेसी है या फिर मुंबई में जो कौंसिलेट है तो आप उनका आपको वो चूज़ करना है कि आप कौन कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो. इन द केस ऑफ एमरजेंसी अपने पेरेंट्स का किसी का डाल देना और फोन नंबर और ईमेल.
फिर आपको जाना है सेव और नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो आपको जो सेकंड डिटेल्स वो फिल करनी है आपकी फर्स्ट साइकिल डिग्री स्टडीज, बैचलर इंजीनियर जो भी डिग्री आपने पहले करी हुई है। सो गाइस लेट मी टेल यू, दिस स्कॉलरशिप एज ऑफ नाउ इज ओनली फॉर मास्टर्स स्टूडेंट्स। अगर आपने पहले बैचलर्स करी हुई है तभी आपके लिए ये एप्लीकेबल है स्कॉलरशिप। तो आपको चूज करना है आपने क्या पढ़ाई करी है, कौन सी कंट्री में, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, सिटी, फैकल्टी, फील्ड ऑफ स्टडीज डाल देना, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आप कब ग्रेजुएट हुए वो डाल देना, ऑप्टेन डिप्लोमा। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इंडिया में हमारे डिप्लोमा कुछ अलग ही चीज़ है, पर यहाँ पोलैंड में डिप्लोमा बोलते हैं फॉर बैचलर्स, तो बैचलर डिग्री को डिप्लोमा बोलते हैं। तो आप यहाँ चूज कर लेना बैचलर, या अगर आपने बीटेक करी हो तो आप इंजीनियर चूज कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे आपको अपना जीपीए पुट करना पड़ेगा, तो आपको जो भी जीपीए स्कोर है वो डाल देना। एंड द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू पुट द स्कैन ऑफ योर बैचलर्स डिग्री एंड सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट जो भी है, तो आप सारा को डाल देना यहाँ पे। और यहाँ पे आपको नॉलेज ऑफ इंग्लिश और पोलिश लैंग्वेज, तो आपका इंग्लिश कम से कम B2 होना चाहिए भाई। तो उसके लिए आप या तो IELTS दे दो तो सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर आप अपने लास्ट कॉलेज से एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट बनवा लेना, वो भी चल जाता है भाई, ठीक है। तो प्रीवियस एकेडमिक और प्रोफेशनल स्टेज इन पोलैंड, अगर आप पोलैंड या किसी और कंट्री में पहले पढ़ाई की हो तो आपको वहाँ का भी डालना पड़ेगा। और स्कैन ऑफ रिकमेंडेशन लेटर, तो रिकमेंडेशन लेटर आप अपने पिछले यूनिवर्सिटी के डीन से या फिर आप अपने किसी प्रोफेसर से जो आपका ज़्यादा क्लोज होंगे, तो आप उनसे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा लो। मैं बोलूँगा दो बनवा लेना, 2 विल बी रियली गुड, तो आप दो बनवा लो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और फिर आपको यहाँ पे वो भी अपलोड करना है, ठीक है। ये हो गया, आप चलते हैं अपने थर्ड सेक्शन पे। तो थर्ड सेक्शन है प्लान्ड स्टडीज इन पोलैंड, कि आपको पोलैंड में आके मास्टर्स किस फील्ड में करनी है, तो आपको वो चूज़ करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग में करनी है, एग्रीकल्चर साइंस या नेचुरल फील्ड, ठीक है। और फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी है, एंड दिस आर द यूनिवर्सिटीज यू कैन चूज। यहाँ पे पोलैंड की लगभग सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई, सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज, तो आप वो चूज़ कर सकते हो। और आप समर में आना चाहते हो या विंटर, वो चूज़ कर लो। लास्ट पेज पे आपको आना पड़ेगा डिक्लेरेशन, सारा एक्सेप्ट कर देना, एंड हाउ डिड यू लर्न, तो आप डाल देना थ्रू लाइफ ऑफ उत्कर्ष यूट्यूब चैनल, ठीक है। आप ऐसा डाल सकते हो नावा सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, आप कुछ भी डाल देना, डजंट रियली मैटर। और आप सारा कुछ फिल कर दोगे तो आप यू कैन गो एंड सबमिट। और इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, सब कुछ फ्री है भाई। और एक बार आप अप्लाई कर देते हो तो दे विल टेक अराउंड 2 weeks, 3 weeks, और 2-3 weeks में अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो आपको कॉल करेंगे फॉर फर्दर प्रोसेस। गाइस ये मैंने पूरा आपको डिटेल में दिखा दिया, मैंने भरा नहीं बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं है अभी, और मुझे ऐसे अप्लाई करनी नहीं है, तो इसलिए मैं पूरा भर के आपको दिखा नहीं पाया अपना डेटा, पर आई हैव गाइडेड यू थ्रू। आप ये सब स्टेप से जाओ, काफ़ी आसान है भाई, इंग्लिश में भी वेबसाइट है, पोलिश में भी है, तो आपको ऐसे दिक्कत नहीं आएगी फिल करने में। एंड इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, माई इंस्टाग्राम लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, कॉल या मैसेज जो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और अगर आपको पर्सनल मेरे से 1-to-1 बात करनी है, काउंसलिंग लेनी है, कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ से आपको वो सारा डॉक्यूमेंट दे देंगे फॉर पोलिश वीज़ा, ठीक है। फिर आपको वीज़ा का अपॉइंटमेंट खुद से लेना है, और वीज़ा का जो इंटरव्यू वगैरह होगा वो तो होगा ही भाई, तो उसके लिए भी यू हैव टू प्रिपेयर। उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हो ऑन माई यूट्यूब चैनल, या फिर आप मेरे से 1-on-1 काउंसलिंग कर लो, उसकी छोटी सी फीस होती है, और उसका भी गूगल लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सो गाइज़ यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में, बिकॉज अगर आपका इंटरव्यू हुआ और उन्होंने आपसे पूछ दिया कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस स्कॉलरशिप, हम आपको क्यों चूज़ करें, तो आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो आप ये सब अच्छे से पढ़ लेना, और मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैंने जैसे बताया डेडलाइन है 31 मार्च तक, तो उसके पहले आप अप्लाई कर दो भाई। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो इन द बिगनिंग ऑफ द मार्च, तो आप सोचो मत, अप्लाई कर दो, बिकॉज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। तो अगर आप पहले अप्लाई करोगे तो चांसेस ऑफ गेटिंग यू विल बी वेरी हाई, मतलब आपको एक स्कॉलरशिप मिल जाएगी भाई, एंड देन यू कैन कम एंड लिव एंड स्टडी इन पोलैंड, और पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी कर सकते हो, और प्लस मंथली स्टिपेंड भी मिलेगा जो पैसा होता है पॉकेट मनी या जो भी। तो एलिजिबल एप्लीकेंट्स का आप थोड़ा पढ़ लेना, बिकॉज दिस वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये सब कंट्री के होने चाहिए। यू डोंट हैव पोलिश सिटीजनशिप, आपके पास पोलिश या कोई भी यूरोपियन सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो इंग्लिश लेवल है वो मिनिमम B2 होनी चाहिए भाई। मैं तो बोलूँगा बेस्ट यू कैन गिव IELTS या TOEFL, वो आप दे दो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर वो आप नहीं दे पा रहे हो तो अपने लास्ट यूनिवर्सिटी से एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का लेटर बनवा लो उसको। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करो इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं वो। और यहाँ पे हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि आप कैसे वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट। गाइस फर्स्ट स्टेप तो ये कि आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, जो मैं आपको वीडियो के पहले दिखाया, ठीक है। और उसके बाद वो फॉर्मल असेसमेंट करेंगे, आपका ग्रेड पॉइंट एवरेज लेंगे, और भी थोड़े क्राइटेरिया हैं वो हम नीचे देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड अटैचमेंट्स क्या है, स्कैन ऑफ वैलिड पासपोर्ट, और आपका एक फर्स्ट साइकिल का डिप्लोमा या आप जो बैचलर्स करिए आपने उसका डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वो आपको अपलोड करना है। और आपके सर्टिफिकेट में ये सब होना चाहिए, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका GPA क्या है, एवरेज ग्रेड, एंड लिस्ट ऑफ ऑल द कंप्लीटेड कोर्सेज, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे अपने बैचलर्स में और क्या उसके ग्रेड थे, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट, एंड स्टैम्प सील ऑफ द यूनिवर्सिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट। गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी सर्टिफिकेट है। यहाँ पे क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कैसे आपका स्कॉलरशिप एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, उसका क्या क्राइटेरिया है। तो वेट है 40%, आपका रिकमेंडेशन बाय डिप्लोमेटिक और कंसुलर
फाउंडेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपका जो लास्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने बैचलर करी है, आपको वहाँ से एक रिकमेंडेशन लेटर बनवाना है। आप जितना बनवाओगे 2-3 उतना ही अच्छा रहेगा, और उसका वेटेज है 40%। और दूसरा है आपका एवरेज ग्रेड ऑफ द फर्स्ट साइकिल स्टडीज़। तो फर्स्ट साइकिल मतलब आपका बैचलर्स, तो आपके बैचलर में आपका जो GPA क्या है उसका वेट है 60%। तो इन दोनों में से जिसका भी परफेक्ट क्राइटेरिया, जो भी हाईएस्ट नंबर आएगा उसको मिल जाएगी भाई स्कॉलरशिप। अब ये देखते हैं कि इनका प्रोजेक्ट बजट क्या है। तो बजट ये है कि आपको हर महीने मिलेगा 1700 पोलिश लॉटी फॉर द प्रिपरेटरी कोर्स, अगर आप पोलिश लैंग्वेज के बस कोर्स के लिए आते हो जो वन ईयर का होता है उसके लिए। और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपको मिलेगा पर मंथ ड्यूरिंग सेकंड साइकिल स्टडीज। लिटरली पोलिश गवर्नमेंट आपको अराउंड 1500 पोलिश लॉटी हर महीने देगी एज अ पॉकेट मनी। आपका जो मास्टर्स होगा वो तो फ्री में होगा, प्लस हर महीने आपको 30,000-50,000 इंडियन रुपीज पोलिश गवर्नमेंट देगी भाई फॉर योर रेंट, फॉर योर फूड, फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। तो ये तो काफ़ी बेस्ट चीज़ है भाई। मैं जब पोलैंड आया आई केम फॉर बैचलर्स, तो मेरे को ऐसा कुछ फ्री का नहीं मिला भाई कि गवर्नमेंट पैसा दे रही है, पर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है काफ़ी बेस्ट है भाई। एंड दैट्स ओनली रीजन आई एम सो हाइप टू मेक दिस वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर देना भाई, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टडीज द फर्स्ट मंथ स्कॉलरशिप इंक्रीज बाई 1000 or 3000 अकॉर्डिंग टू कंट्रीज ऑफ अराइवल। तो किसी केस में ये आपको 3000 पोलिश लॉटी तक भी देंगे हर महीने, विच इज़ लाइक अराउंड 60,000 इंडियन रुपीज़। ये बहुत ज़्यादा होता है भाई, तो अगर आपको ये मिल गया तब तो समझो सोने पे सुहागा है भाई। एंड इन द लास्ट ईयर ऑफ द स्टडीज द लास्ट मंथली स्कॉलरशिप इंक्रीज बाई 500। तो मास्टर्स यहाँ पोलैंड में यूजली अराउंड 2 years का होता है, तो आपको सेकेंड ईयर से आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 500 लॉटी इंक्रीज हो जाएगी। और जो नावा के डायरेक्टर हैं उनको भी आप अगर रिक्वेस्ट लिखोगे रिटर्न, तो आपकी वो स्कॉलरशिप 500 लॉटी तक मोर बढ़ा सकते हैं भाई। लैंग्वेज सर्टिफिकेट देख लेते हैं इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है। तो गाइस यहाँ पे लैंग्वेज सर्टिफिकेट इन्होंने पहले ही लिख दिया है IELTS 5.5, जो काफ़ी आसान होता है भाई। मैं अज्यूम कर रहा हूँ अगर आप इंडिया से हो, आपने इंग्लिश में पढ़ाई करी है, तो 5.5 लाना इज़ नॉट अ बिग डील। तो ले आ देना भाई 5.5, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है लाने में, फिर आपका जो भी होगा ना आगे फ्यूचर मास्टर्स पोलैंड में फ्री में हो जाएगा। आपको हर महीने गवर्नमेंट से पैसे मिलेंगे अलग, प्लस आप जब ग्रेजुएट होगे तो यू कैन लिव एंड वर्क इन पोलैंड फॉर एनी ऑफ द MNCs या जो भी कंपनी। तो आप खुद से जाके देख लो कि कौन सी इंग्लिश सर्टिफिकेट आपके पास है, और नहीं है तो एक बनवा लो भाई, या फिर IELTS दे दो, सबसे बेस्ट रहेगा वो। तो गाइस लिटरली मैंने आपको सारा प्रोसेस दिखा दिया, और यही प्रोसेस था भाई। आप सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, यू कैन गो एंड अप्लाई राइट नाउ। बस फट से अप्लाई कर दो भाई, अगर आप मास्टर्स स्टूडेंट हो, अगर आपको मास्टर्स करनी है पोलैंड में फॉर फ्री, तो अप्लाई कर दो। मैं काफ़ी, आप देख सकते हो मैं काफ़ी हाइप हूँ इस वीडियो के लिए, और ये वीडियो देखिए अगर 5-10 लोग की भी अगर हेल्प हो गई तो मेरा रहेगा ठीक है भाई। मेरा मतलब मेरा काम हो गया, आपकी लिटरली इससे लाइफ चेंज हो जाएगी। और लाइफ कैसे चेंज होगी मैं ये बताता हूँ। पहला तो आपको मास्टर्स फ्री में होगा, एक डिग्री मिलेगी मास्टर्स की, दैट टू यूरोपियन डिग्री फॉर फ्री। ऊपर से आपको अपने 1 रुपये नहीं लगाना है पॉकेट से। वीज़ा का और फ्लैट का खर्चा तो लगेगा ही, पर आप यहाँ पे रहोगे तो आपका लिविंग एक्सपेंसेस भी पोलिश गवर्नमेंट कवर कर रही है। मतलब इससे बेस्ट चीज़ क्या हो सकता है भाई। और आप जब ग्रेजुएट होगे फुल टाइम, तो उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब इन द MNC बैंक वगैरह, या फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह पोलैंड में बहुत सारी है। तो आपको आराम से जॉब लगेगी और आपकी लाइफ सेटल है भाई। मतलब ठीक है, अब मैं बहुत ही बात कर लिया, आप सब्सक्राइब कर देना, अब चलता हूँ मैं। तो गाइस मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, पर मैं सोचा कि इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो आपके लिए वीडियो बना लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेके, मतलब ब्रेक भी नहीं लिया है मेरा लॉगिन। तो गाइस प्रीटी मच फॉर द वीडियो, आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा व्लॉग, आई रियली होप कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, रियली होप कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और मिली होगी तो भाई एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब, भाई को सब्सक्राइब करो और 500 लाइक कर देना। आई एम एमिंग फॉर 500 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। अगर आप किसी भी प्रोसेस में, इफ़ यू आर स्टक, इफ़ यू नीड माई हेल्प फॉर द VFS अपॉइंटमेंट, या फिर वीज़ा एप्लीकेशन या वीज़ा इंटरव्यू, तो गूगल फॉर्म का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन फिल आउट दैट फॉर्म, हम कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। एंड देन हमारी एक छोटी सी कॉल होगी, उसकी एक फीस होती है, और बिकॉज मेरे को भी अपना थोड़ा सपोर्ट करना है भाई यहाँ पे लाइफ, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद ऑल द प्रोसेस। तो प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आउट द गूगल फॉर्म, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन फ्रॉम पोलैंड पीस, और भाई को सपोर्ट करो, एक सब्सक्राइब कर देना भाई, दिल से सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।